है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर में मारा। सुनो, पहले ये समझाते थे बच्चों को हर कार्य में क्या पहले करना, क्या बाद में करना, किसको छोड़ना, किसको जोड़ना, फिर इसके उपरांत क्या क्या और करना, ये सब बातें जीवन की उपयोगी बातें थी। और वो बच्चों को बाल्य अवस्था से ही माता पिताओं के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा बताया जाता था। आज बताते या नहीं बताते ये आप लोग जानो, फिर भी ये चीज़ें बताने योग्य हैं। उसमें से एक बताना चाहता हूँ, बताओ। आप देखो सुनो, आम पकने को होता है उस समय बागवान या उसको रखवा करने वाला उन आम के पेड़ जितने भी लगे हैं आम उनको उतार लेता है, क्योंकि उनका पकाव अपना अपना अलग अलग समय पर होता है। तो वैसे ही वह गिर करके नष्ट हो जाएंगे आदि, तो वह ख्याल रखता है कि कब इसको उतारना है, तो वो उतार लेता। पकाव को तो आता है, वो देखता है दृष्टि से कि ये पकने योग्य हो गया है। अब उठार करके उसको एक प्रकार से ऊष्मा देता है, घास फूस वगैरह में उसको रख करके उसको पका देता। पहले ट्राई करके आम का रंग कौन सा रहता था? हरा। आप जानते हो क्योंकि केरी पहले खाई जाती। फिर इसके उपरांत आम जब पक जाता है तो पीला हो जाता है, तो पीले पीले को आप लोग पका हुआ समझ करके खाते हैं। यहाँ पर बताया जाता था, उसको हम बताना चाहते हैं। जब जिसमें डंठल से वो चिपका हुआ था, लगा हुआ था, वहाँ से टूट गया, टूटने के उपरांत भी उस डंठल की निशानी उसके सिर पर रहती है, रहती है। अब लोग समझते हैं नहीं कोई बात, खाना तो कोई नहीं चाहते हो, कहाँ क्या होता है इसको निरीक्षण कर लेना चाहिए। हाँ, अब वह डंठल जी उसको वहीं से चूसना होता है, नहीं समझे, यहाँ कहीं से चूसना नहीं कहता। हाँ, मूल बात ये है, वहाँ से चूसना होता तो एकदम खान चूसने वाला चूसने के लिए नहीं करते, ये गलत हो। फिर क्या करो, पहले कुछ धारा छोड़ दो, हाँ सुन लो, उसको तोड़ बोलते हैं, बताते हैं तोड़। अब जोड़ तोड़ दोनों बातें हैं। अब यदि कोई भी व्यक्ति जल्दी में अथवा अज्ञान के कारण उसको जोड़ कर जो चूस लेगा, उसके होंठ दोनों तरफ से ऐसे काले पड़ जाएंगे, काले नहीं वो जल जाते हैं, उसमें तेज अपने तेजाब का अंश जैसा रहता है, समझ में आ गया ना। तो हाँ, तो वह उसको निकालने के लिए सर्वप्रथम उसको फिर दबा दो, और दबाने के उपरांत अमरस नहीं निकलेगा उसमें से, उसमें से एक अलग टाइप का पानी निकलता अथवा धूल टाइप निकलता है, वही विषाक्त होता है, वही विषाक्त होता है। इस प्रकार हमें जीवन का संवर्धन भी करना होता है और जीवन का संरक्षण भी करना होता है, स्वाद भी लेना होता है। वहीं पर स्वाद के स्थान पर वह कोई भी
ऐसा विषाक्त आ सकता है तो जीव को जला भी सकता है। आप जीना चाहते हो क्या? नहीं आओ आओ, रट रखा आप लोग और कुछ नहीं, रटवा दिया ये तो वो भी भूल गए थे। जो व्यक्ति भाषा को ही भूल जाता तो भाव को भी। बाजार में कौन सा भाव से क्या चल रहा है पहले देखना पड़ता है, फिर बाद में अपने एंट्री में है क्या नहीं ये देखना पड़ता है। ऐसा है जैसे खरीदो है, अपने पास तो है नहीं हैसियत पर खरीद ले, वो कहता पहले पैसा लाओ फिर बाद में हम माल देंगे। तो आप क्या ले आए बताओ, पहले पैसा लाओ हमारे। मौलिक चीज है धर्म, उसको पैसे के लिए बेचा नहीं जाता। जीवन जीने की जो चीजें हैं वह पैसे के लिए नहीं हुआ करती है, उसका अनमोल महत्व रहता है। भारत इन सब बातों को भूलता जा रहा है, किंतु सब कुछ भूलो किंतु छोड़ने योग्य उसको भूलो, किंतु जो ग्रहण करने योग्य है उसको भूलो नहीं, उसकी पहचान रखो। इतना ही कहना चाहता हूँ। इस तोड़ वाली कहानी को आप समझेंगे ना, अपने अपने मित्रों से, अपने अपने बंधुओं से, अपने अपने गांव वालों से। महाराज जी ने आज क्या कहा था, ये कहा था तोड़ को थोड़ा सा मलो, उसको निकालो बाहर, फिर बाद में अमृत का स्वाद आएगा। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूजनीय आचार्य गोविंद सिंह विद्या सागर जी महाराज।